तभी हम लोग निकल रहे हैं थोड़ा सा डॉक्टर को दिखाने के लिए। उधर से वो स्कूटी लेके आएगी, इधर निकालना मुश्किल हो जाता है, वहां पे से कम जगह है ना। चलो देखिए फ्रेंड्स, मम्मी को नहलाया मैंने शाम को, और हमने तो दिया नहीं था कुछ। मम्मी ने खुद नारियल का तेल अपने सर पे लगाया और बोरो प्लस भी लगवा दिया। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं सोनम स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे सोनम रावत व्लॉग्स में, फिर से एक नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तो सबसे पहले बड़ों को प्रणाम, छोटों को बहुत सारा प्यार, साथ वालों को हाय हेलो नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी लोग? होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज की व्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह के 10 बजे से, और अभी मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल अपने दांत को दिखाने के लिए। दांत में पता नहीं क्या हो गया और ऊपर से, तो भी फिलहाल हम दोनों, मेरी बहन और मैं, जा रहे हैं हॉस्पिटल दिखा के आते हैं। पहले दांत दिखा के आते हैं, ये तो खुद ही ठीक हो जाएगा, ये तो होता है फिर खुद ही ठीक हो जाता है। तो चलिए चलते हैं। और आजकल आप बाहर देखेंगे तो बाहर का वेदर कुछ इस प्रकार हो रखा है, बहुत ज़्यादा धूप निकली हुई है चारों तरफ। ये देखिए, मतलब इस धूप में किसी का क्या ही मन करेगा बाहर जाने का। और एक सुबह सुबह उठूंगे ना जब, तो एक मधुर सी वाणी सुनाई देती चिड़ियाओं की। यही चीजें हैं यहाँ पे खासकर। और इधर जो है ये फूल भी लगे हुए हैं, बस हमारे घर में तो यही फूल हो रखे हैं, बाकी तो सारे बंद हो रखे हैं। होने खैर, हम लगाते कहाँ हैं। एक ये है, ये भी पता नहीं कितने टाइम से लगा हुआ है लेकिन हो ही नहीं रहा है, ये बड़ा नहीं हो रहा है। तब से इतना ही है, जब से लाए होंगे ना तब से इतना ही है, पता नहीं क्यों बड़ा नहीं हो रहा है। और ये फूल लगे हुए साथ में, उधर वो पुष्प लगा हुआ था लेकिन वो खिला ही नहीं, मतलब एक ही बार खिलता है उसके बाद तो वो बंद ही हो जाता है। खैर, और बाकी चलते हैं मंदिर की तरफ। और अंदर हमारी माता श्री लेटी हुई है, फोन में पता नहीं क्या ही कर रही हैं। क्या देख रहे हैं आप? देखिए देखिए, अभी हम चलते हैं, फिर आएंगे, मिलेंगे फिर। अभी मैंने पोछा नहीं लगाया है, सिर्फ झाड़ू लगा रही हूँ, झाड़ू लगा के तब जा रही हूँ मैं। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं थोड़ा सा डॉक्टर को दिखाने के लिए। उधर से वो स्कूटी लेके आएगी, इधर निकालना मुश्किल हो जाता है, वहाँ पे से कम जगह है ना। देखिए वहाँ पे कम जगह है, इसके लिए गेट खोल के अंदर जाना पड़ेगा, फिर अंदर से फिर बाहर लेके आना पड़ता है। जगह थोड़ा कम है, ये देखिए। सुबह तक तो पानी आ रहा था लेकिन अब पानी भी आना बंद हो गया है, किसी ने लगाया होगा अपने खेत में। कुछ टाइम बाद यहाँ भी धान लग जाएंगे, जून जुलाई के आसपास, जुलाई में चलते हैं हम। चलो अभी अभी हम लोग पहुंच चुके हैं किशनपुरी में। इससे आगे आगे है क्या दोनों? इससे आगे है जो भी है। और इसने तो एक काम सही कर रखा है कि अपने सर पे ये दुपट्टा ले रखा है, लेकिन मेरी जो हालत खराब हो रही है ना, अभी बाहर बहुत ज्यादा। अच्छा पहुंच गए, ये रहा। चलिए, ये नया खुला है क्या? श्री मुरारी डेंटल क्लिनिक। चलो तो आज मैं घर में हूँ, डॉक्टर के पास से आ गए थे हम दिन में ही वापस, मतलब 11:30 बजे के आसपास हम गए थे और 12 बजे घर पहुँच गए थे। सुबह खाना वाना खाया, फिर मैं लेट गई थी क्योंकि दांत में हल्का हल्का सा पेन है। अब इतना पेन तो नहीं हो रहा है, कल रात मैंने पेन किलर खा लिया था एकदम से ही तुरंत, मतलब जैसे ही दर्द हुआ वैसे ही। तो उसके बाद आज डॉक्टर को दिखाने गए तो वो कह रहे हैं कि फिल करना पड़ेगा, लेकिन वही है इंजेक्शन से थोड़ा डर लगती है मुझे। तो मैंने पहले उनसे पूछा कि इंजेक्शन लगाएंगे फिर जाके उसको फिल करेंगे, तो बोला हाँ उसके लिए तो इंजेक्शन तो लगेंगे। तो फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ा टाइम देखते हैं, अगर और ज़्यादा दर्द लगा मुझे तो मैं तब जाके कराऊंगी, नहीं तो अभी नहीं कराऊंगी। और अभी फ़िलहाल मैं बाहर का काम कर रही थी, मैं सोच रही थी कि टाइम बहुत है तो वो कर लेते हैं, क्यारी बना लेते हैं उसके लिए, भिंडी के लिए देखती हूँ बनाती हूँ या नहीं बनाती हूँ, पर सोच रही हूँ अभी तो। और देखते हैं अभी
मम्मी को भी नहला रही हूँ मैं अभी शाम को, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है, तो मम्मी को नहला रही हूँ, गर्म पानी कर रही हूँ उनके लिए, हल्का हल्का मतलब गुनगुना, पहले उनके नहलाऊँगी, उसके बाद देखती हूँ कि बनाती हूँ या नहीं बनाती। वैसे थोड़ा सा ही बनाना है, भिंडी तो दो चार ही लगा दे तो वही उतने में ही भिंडी होने लग जाती है, तो देखते हैं। अभी भाई भी आ जाएगा मेरी ड्यूटी से, तो चलते हैं फिर काम वाम निपटाते हैं अपना, आगे ब्लॉग को भी कंटिन्यू करती हूँ मैं साथ में। तो वहाँ पे थोड़ा बहुत क्यारी जो थी मैंने थोड़ा बहुत साफ़ करी, मम्मी को नहला के बाहर बैठा है, भाई भी आ गया अब तो ड्यूटी से। मम्मी बता तो थे क्या बोला डॉक्टर ने? बहुत होने वाला, 10 10 हज़ार रुपये लगेंगे। 10 हज़ार रुपये लगेंगे? 10 हज़ार रुपये दस लगेंगे? हजार रुपये लगेंगे? दांत तोड़ दो चल, बता। दांत नहीं तोड़ा उसने, बोला कि दो ऑप्शन है, या तो इसको भर दो, भरने के 2300 बोले, क्यों क्या भरना है यार, मिट्टी मुट्टी भर दे इसमें। मतलब इसमें और ज्यादा वो फंसेगा खाना वाना, तो और ज्यादा दिक्कत करेगा। यहाँ पे थोड़ा बहुत साफ किया कि मैं सोच रही हूँ यहाँ पे भिंडी के लिए कर दो। आंकी आ जा बाहर, यहाँ पे जरा सफाई कर दे, भिंडी बोना है वहाँ पे, है ना मम्मी? क्यों नहीं बोना? नहीं नहीं क्रीम तो है ही नहीं, हमारे पास ही नहीं है ना। आंकी दरवाजा बंद कर दे, मच्छर जा रहे अंदर। बोरो प्लस भी तो नहीं है? नहीं है। मम्मी मना कर रही है कुछ नहीं बोना। क्यों क्यों मना कर रहे हैं? तो भी माता श्री तो मना कर रही है कि कुछ नहीं लगाना है, ना भिंडी लगानी ना कुछ लगाना, तो छोड़ो ना। जब मम्मी मना कर रही है तो क्यों लगाना है कुछ भी। बस मैंने वहाँ पे साफ कर दिया थोड़ा बहुत है। और रखना कहाँ है? रखने के लिए जगह भी तो होना चाहिए थोड़ा, मतलब एक कट्टा ले लेते ना। नहीं क्यों लेना है जब रखना ही नहीं है? कहाँ मिल रहे? अरे हाँ, प्याज सस्ते हो रखे हैं। मेरे को ऐसे क्यों लग रहा है मेरे सर से फिर से बाल निकलने वाले हैं, अजीब सा फील। तो हम कहाँ रखेंगे पहले तो प्याज, ये सोच लो हम रखेंगे कहाँ। आज तो हमने यहाँ पर रखे हैं, अंदर फिर पुताई होगी उस समय पर, फिर बाहर ये इसके नीचे नहीं रखे हुए हैं, ये जो निकाल खराब हो जाएंगे यार बारिश वारिश कभी आई तो, क्यों तो वो तो खत्म हो जाएंगे। अब हम ले जा रहे हैं, खत्म होने वाला है, तो कर दिया है बंद। वहाँ टंकी में नहीं चढ़ेगा पानी अब, तो डॉक्टर के पास गए थे। और कहीं चलाऊंगा अभी बंद किया हूँ, डॉक्टर के पास गए थे ना। अब देखो अब मेरा ध्यान वहीं जा रहा है, बार 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 जब से उसने मारा ना अभी टक टक करके, तब से मेरा ध्यान ही, हाँ तब से मेरा ध्यान यहीं जा रहा है। ये खाली हो गया, ये खाली हो गया। तो दो ऑप्शन बताएं, एक तो निकालने का बताया कि या तो निकाल दो दांत को, या तो फिर इसमें फिलिंग कर दो। मतलब मुझे दोनों में से कुछ सही नहीं लगा ना, निकालने वाला ऑप्शन सही लगा ना। हैं एक नया, एक नया खुला हुआ ना यहाँ पे, वहाँ पीवीसी पैनल भी लगे हुए थे वो उसी के डॉक्टर के, उसमें कार वार तो नहीं देखी मैंने उनकी। तो अभी जब ज्यादा ही दर्द होगा, अभी तो फिलहाल मैं दवाइयाँ लेंगी पेन किलर वाली, क्योंकि मुझे इंजेक्शन से डर लगती है, तो देखते हैं अभी जब ज्यादा ही दर्द होगा तब जाके कुछ करेंगे, नहीं तो मैंने ऐसे ही रहना है। मैं नहीं करूँगी इस पर कोई इलाज, नहीं करने वाली मैं बिल्कुल नहीं। भाई कौन चुभाए, वहाँ सुई भी यहाँ लगेगी। पापा बोल रहे पैसे भी नहीं है क्या? ठीक है, घर 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 में तो काम आएगा ना, अब विम्बार वगैरह नहीं लेना। विम्बार सच है यार, विम्बार के लिए 6 हज़ार का विम्बार लेना हमने, 6 हज़ार तेल भी तो, तेल तो ले लिया था मैंने अपने पैसे से। और वेदर बता रहे, देखो शाम के टाइम पे तो ऐसा अच्छा सा हो जाता, लेकिन ना अभी बात की जाए हवा की तो बिल्कुल हवा नहीं चल रही है, इससे ही पता चल रहा होगा, पेड़ से पेड़ों से ही पता चल रहा था। देखो पत्ते उड़ नहीं रहे हल्के हल्के, मैंने जब बोला कि पत्ते नहीं उड़ रहे, हल्के हल्के हिलने लग गए वो भी, उनको भी शर्म आ गई कि हमें भी हिलना है भाई, ये वीडियो बना रही है, चलो अपनी नज़ाकत दिखा रहे हैं, डांस कर रहे हैं अब। और ये बरखौर का घर है देखो, हवेली यहाँ से लेके बस यहाँ पे तक, यहाँ से दूसरी हवेली स्टार्ट हो जाती है, पुरानी हवेली है ना, पक्की हवेली, बहुत पुराना घर है, बहुत पुराना। कितना तब तो मुझे लग रहा हम लोग जब आए थे उससे भी पहले से 70-80 साल, चल 50 साल पुराना होगा, 50 साल पुराना घर होगा ये पक्का।
ये तो मुझे नहीं पता, ये तो मामा जी बताएंगे जो यहाँ रहते हैं, लेकिन 50 साल तो होगा लगभग। और बाकी इधर हमारा अब क्यारी खाली रहेगी यहाँ पे। ये अंकित कहाँ गया? तो अभी हवा तो चल रही है, लेकिन हवा में वो नहीं है, क्या बोलते उसको, ठंडी नहीं चलती, मतलब लू चलती है, लू, गर्म हवाएं चलती है। मम्मी को नहलाया मैंने शाम को, और हमने तो दिया नहीं था कुछ, मम्मी ने खुद नारियल का तेल अपने सर पे लगाया और बोरो प्लस भी लगवा दिया अपने मुंह में। ये मत लगाया कर, ये गंदा होता है। तो बाल भी बना दो फिर अपना। तेल तो लगा रहे थे आप खोल के। छी, मुंह पे कौन लगाता मम्मी तेल? बहुत फैशन में रह रहे हो, है बहुत फैशन कर रहे हो। किसके लिए कर रहे हो फैशन? अपने लिए। तो बाल भी बनाओ फिर। नहीं नहीं, कंघी लो फिर, कंघी लो, पकड़ो लो, लगाओ। हाँ हाँ, झूम बिल्कुल, चल कर लगा। लगाओ लो, शाबाश। तो फ्रेंड्स, इस व्लॉग को इतना ही रखेंगे। आशा करते हैं आप सभी लोगों को मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक कर देना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आप सभी से एक नए व्लॉग में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तो बने रहिएगा सोनम राउत व्लॉग्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।